नमस्कार, मैं सीमा मलकानिया। मेरी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कर्ड राइस। कर्ड राइस यानी दही चावल। दही चावल बहुत ही पौष्टिक होते हैं और बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो आइए देखें इसके लिए क्या चाहिए। अब हमें इसके लिए चाहिए पके हुए चावल। जो चावल ऐसे पके हुए होने चाहिए, बहुत मुलायम सॉफ्ट बने होने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जो हम चावल नॉर्मली बनाते हैं वो चावल हम उसमें डबल पानी डालते हैं। जैसे एक कटोरी चावल लिया है तो दो कटोरी पानी डालेंगे और खिले खिले बनाएंगे। लेकिन कर्ड राइस के लिए हम नरम चावल बनाएंगे, बिल्कुल मुलायम, उसके लिए हम तीन कटोरी पानी डालेंगे ताकि वो बिल्कुल ही सॉफ्ट ऐसे बने, मुलायम बिल्कुल, ऐसे चावल बनाने हैं। और ये दही है, इसके लिए इसको मैंने फेंट लिया है थोड़ा। ये ऑयल है तड़का लगाने के लिए, और एक मिर्ची ली है, हरी मिर्ची जिसको काट लिया है। ये उड़द की दाल है आधा चम्मच, और ये जीरा है आधा चम्मच जीरा है, और दो चुटकी हींग, और ये सरसों है आधा चम्मच, ये नमक है स्वाद के अनुसार, और मैं इसमें थोड़ी सी क्रीम डाल रही हूँ इसको थोड़ा रिच फ्लेवर देने के लिए, दो चम्मच, और ये छः सात कड़ी पत्ते हैं, और ये सूखी लाल मिर्च, और थोड़ा सा हरा धनिया जो काट के रखा हुआ है। अगर पसंद है तो क्रीम डाल लीजिएगा, नहीं तो नहीं डालना। और क्रीम की जगह आप जो घर में मलाई होती है दूध से मलाई उतरती है। नमक भी इसमें मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी और बड़ा पौष्टिक होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसको आप जरूर ट्राई करना। हमारा तड़का ये हो गया है, ये सरसों जो है वो चटकने लग गई है और मिर्ची भी हो गई है। अब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे और गैस ऑफ कर देंगे। अब हम ये तड़का इसमें ने कर्ड राइस में लगा देंगे। इसमें आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इसमें ऑयल ही यूज़ किया है क्योंकि इसको ठंडा सर्व करेंगे तो। और अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। फ्रेंड्स, हमारे कर्ड राइस तैयार हैं और बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी कर्ड राइस बने हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you.